देतो सिद्धे ध्रुवमल मणोवम गदिम पते वो छामि समय पाहुड़ मिणुमो सुद केवली भड़िदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय हो। पिछली ज्ञानशाला में बताया गया था हम संसारी जीवों ने पंच इंद्रियों के विषयों की सांसारिक संबंधों की चर्चा अनादि से सुनी है, परिचित भी किए हैं और अनुभव में भी लाए हैं, लेकिन शुद्ध आत्मा की चर्चा हमें सुलभ नहीं हुई। तो आचार्य महाराज ने कहा था मैं उस शुद्ध आत्मा की चर्चा को इस शास्त्र में कहता हूँ। उन्होंने खुद कहा मुझे ये कहाँ से मिली, मैंने आगम का अभ्यास किया, अपने गुरु से स्वाध्याय में पढ़ी, मैंने अन्य मत वालों से तर्क वितर्क करके निर्णय किया और स्वसंवेदन अपनी आत्मा का संवेदन स्वयं करके मैंने जो निर्णय किया है वो मैं यहाँ दिखाऊंगा। और ये भी कह दिया अगर कहीं चूक जाऊं देखो छल ग्रहण नहीं करना। इस तरह पिछली ज्ञानशाला में आपको बताया था, अब आज की ज्ञानशाला में आगे बढ़ते। रवि हो दिया पमतो णपमत्तो जानु गो दुजो भावो णपमत्तो जानु गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धा एवं भणन्ति शुद्धा णादा जो सो दुसोचेव णादा जो सो बोलिए रवि हो दिया पमतो णपमतो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धा णादा जो सो दुसो चेव। कितनी सुंदर गाथा है, आइए एक एक शब्द के अर्थ का विचार करते हैं। रवि माने नहीं, होदी होती है, अपमत्तो अप्रमत्त, णपमत्तो ना प्रमत्त होती है। क्या है तो जानगो जो ज्ञायक जो भाव है वह, अर्थात आत्मा का स्वभाव है ज्ञायक भाव मात्र, और जो ज्ञायक भाव है ना तो वो प्रमत्त होता है और ना प्रमत्त होती है ना अप्रमत्त होता है। आत्मा ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, कैसी है वो तो ज्ञायक भाव मात्र है। एवं इस प्रकार भणंती कहते हैं शुद्धा जो शुद्ध नय के जानने वाले हैं। नादा ज्ञाता, ज्ञाता कौन, आत्मा जो सोद सोचेव वह तो वही है जो है, अर्थात वह तो ज्ञायक भाव मात्र है, ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। फिर एक बार देखते हैं, आत्मा रवि अपमत्तो हो दी नहीं अप्रमत्तो होती है, न पमत्तो न प्रमत्तो होती है, जो जानगो भावो वह तो जो ज्ञायक भाव मात्र आत्मा है वो तो ज्ञायक भाव मात्र है। ऐसा कौन कहते हैं, एवं शुद्धा भणंती ऐसे शुद्ध नय के ज्ञाता कहते हैं। वो क्या कहते हैं, अणादा जानने वाला जो आत्मा है वह तो जो है सो ही है, उसमें प्रमत्त और अप्रमत्त का विकल्प नहीं। जो प्रमत्त और अप्रमत्त इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठकर केवल ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण किए हुए है वह शुद्ध आत्मा है। ऐसा शुद्ध नय के जानने वाले
महापुरुष कहते हैं। पंडित जी, क्या आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं होती है? इस समय सारजी ग्रंथ में जितनी चर्चा है दो नयों के आधार से है। अच्छी तरह समझने वाली बात, एक निश्चय ने या शुद्ध ने, एक व्यवहार ने या अशुद्ध ने। जो शुद्ध ने है वह शुद्ध आत्मा की बात करता है, और जो अशुद्ध ने है वह अशुद्ध आत्मा की बात करता है। नय क्या है? नय माने वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। जो वक्ता बोलने वाला है किस अभिप्राय से बोल रहा है या लिख रहा है उसका नाम है नय। जब शुद्ध आत्मा की चर्चा होती है तब निश्चय नय की बात होती है, और जब अशुद्ध आत्मा की बात होती है तो व्यवहार ने की या अशुद्ध ने की बात होती है। यहाँ क्या लिखा इस गाथा में, क्या लिखा? शुद्धा एवं भणन्ति शुद्धा, ऐसा शुद्ध ने के जानने वाले कहते हैं। तो शुद्ध ने माने निश्चय ने के जानने वाले कहते हैं। तो निश्चय ने किसको विषय करता है? आत्मा की शुद्ध अवस्था को। तो जब आत्मा की शुद्ध अवस्था को विषय करेगा तो उसमें प्रमत्तपना अप्रमत्तपना कहाँ आएगा? नहीं आएगा। आपने प्रश्न किया क्या आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होती? होती है। क्यों नहीं होती? बिल्कुल होती है, लेकिन वह फिर निश्चय ने का विषय, शुद्ध ने का विषय नहीं है। अशुद्ध आत्मा में प्रमत्तपना अप्रमत्तपना है, लेकिन शुद्ध आत्मा में ना प्रमत्तपना है ना अप्रमत्तपना है। शुद्ध आत्मा तो ज्ञायक भाव ज्ञाता दृष्टा मात्र है। इस गाथा में यही तो कह रहे हैं। जो शुद्ध ने के जानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो प्रमत्त और अप्रमत्त इन दोनों दशाओं वाली नहीं है, ऐसी आत्मा है वो तो ज्ञायक स्वभाव मात्र है। इसलिए निश्चय नय से या शुद्ध नय से आत्मा में प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था नहीं होती, लेकिन व्यवहार नय से होती है। होती क्यों नहीं? पंडित जी, प्रमत्त और अप्रमत्त कौन होते हैं और उनके गुण स्थान क्या हैं? प्रमत्त माने वो आत्मा जो प्रमाद में है। प्रमाद किसे कहते हैं? आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशलेषु आत्मा की कुशलता में जो अनादर भाव है उसका नाम प्रमाद है। मतलब आत्मा की भावों की विशुद्धि में जो ढील है उसका नाम प्रमाद है। प्रमाद कितने प्रकार का? प्रमाद 15 प्रकार का। 4 प्रकार की विकथा, 4 प्रकार का कषाय, 5 प्रकार के इंद्रिय के विषय, निद्रा और स्नेह, 15 प्रकार का। 15 प्रकार के प्रमाद में जो आत्मा उलझी है वह प्रमत्त है, और जो इनसे परे है, इनसे दूर हो गई है, वह आत्मा अप्रमत्त है। क्यों उलझती है आत्मा प्रमाद में? कषाय की तीव्रता होने के कारण। और कषाय की मंदता होती है तब वह जीव अप्रमत्त होता है। अगर गुणस्थानों की अपेक्षा बात करें तो पहले गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक प्रमत्त है, और सातवें गुणस्थान से चौदहवें गुणस्थान तक अप्रमत्त है। लेकिन ये जो प्रमत्त और अप्रमत्त की चर्चा है निश्चय ने में ये नहीं है। निश्चय ने से तो आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन अर्थात एकदम ज्ञायक भाव मात्र है निश्चय ने की दृष्टि से। इसलिए निश्चय ने की दृष्टि से ना प्रमत्त है आत्मा ना अप्रमत्त है। व्यवहार ने की दृष्टि से एक से छठे गुणस्थान तक प्रमत्त है, 6 से ऊपर अप्रमत्त है। यहाँ चर्चा हो रही है, और इस समय सार ग्रंथ में अधिकांश चर्चाएँ निश्चय ने की अपेक्षा हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हमने व्यवहार ने को तो आज तक सुना और समझा, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये त्रियंच है, ये मच्छर है, इसको तो हम जानते हैं,
ये सब व्यवहार ने की बात है, निश्चय ने की बात। इन सब को जानने वाला आत्मा कैसा है, ज्ञायक भाव मात्र है, वो कैसा है वो हमें नहीं मालूम। हम ये तो जानते हैं ये जो है ये शरीर ये मैं हूँ, लेकिन ये कभी नहीं जाना कि वास्तव में ये मैं नहीं हूँ। इसके अंदर जो जानने वाला बैठा है वह मैं हूँ, उसे आज तक नहीं जान पाया। बस उसी को बताने के लिए आचार्य कुंद महाराज ने समयसार ग्रंथ लिखा है। पंडित जी, निश्चय ने और व्यवहार ने में अंतर क्या है? निश्चय ने उसे कहते हैं जो शुद्ध द्रव्य की चर्चा करता है, जो अभेद की चर्चा करता है उसे कहते हैं निश्चय ने, और जो अशुद्ध द्रव्य की बात करे भेद की बात करे उसे कहते हैं व्यवहार ने। जैसे जीव आत्मा ज्ञाता दृष्टा मात्र निश्चय ने की अपेक्षा, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पांच इंद्री व्यवहार ने की अपेक्षा, नरक त्रेंच मनुष्य और देव व्यवहार ने की अपेक्षा। व्यवहार ने अशुद्ध अवस्था का वर्णन करता है, निश्चय ने शुद्ध अवस्था का अभेद अवस्था का वर्णन करता है, बिना किसी की अपेक्षा वर्णन करता है। व्यवहार ने में अपेक्षा लगती है, यही बात तो यहाँ कह रहे हैं। जो शुद्ध ने के जानने वाले हैं वे कहते हैं कि आत्मा या वह ज्ञायक भाव वाली आत्मा ना तो प्रमत्त होती है ना अप्रमत्त होती है। वो कैसी है? वह तो जो है सो है। क्या है? तो ज्ञायक भाव मात्र है। पंडित जी, क्या व्यवहार ने का वर्णन गलत होता है? नए माने होता है अपेक्षा से वर्णन करना। किस अपेक्षा से आप वर्णन कर रहे हैं? अगर आप अशुद्ध दशा की अपेक्षा वर्णन कर रहे हैं तो व्यवहार ने बिल्कुल ठीक बोल रहा है। व्यवहार ने अशुद्ध द्रव्य की अपेक्षा सत्य है, निश्चय ने शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा सत्य है। क्यों? कि जो अशुद्ध वस्तु का कथन करे उसका नाम व्यवहार ने। अब जैसे मैं मनुष्य हूँ मैं पुरुष हूँ, क्या ये झूठ है? नहीं, सच है, लेकिन व्यवहार ने की अपेक्षा, निश्चय ने की अपेक्षा नहीं। मुनि महाराज प्रमत्त अप्रमत्त होते हैं? बिल्कुल होते हैं। किसकी अपेक्षा? व्यवहार ने की अपेक्षा, निश्चय ने की अपेक्षा। तो आत्मा ज्ञायक भाव मात्र है, इस तरह समझना चाहिए। व्यवहार ने झूठा नहीं, व्यवहार ने गलत नहीं, व्यवहार ने को गलत नहीं माना जा सकता। व्यवहार ने अशुद्ध द्रव्य की चर्चा करता है, इतनी बात है बस। अब आगे गाथा नंबर 7 में आचार्य व्यवहार और निश्चय इन दोनों नियमों की चर्चा करते हैं। आइए। व्यवहारेणुवदि सदि प्राणी सचरितदंशनम् लाणम् न वीणाणम् न चरितम् न दंशनम् जानगो शुद्धो बोलिए। व्यवहारेणु वदि सदि प्राणी सचरितदंशनम् लाणम् न वीणाणम् न चरितम् न दंशनम् जानगो शुद्धो। एक एक शब्द का अर्थ विचार करते हैं। व्यवहारिणे वर्ण व्यवहारेणुवदिश्यति व्यवहारेण उपदिश्यति, व्यवहार ने से उपदिश्यति कहे जाते हैं। राणिस ज्ञानी के, चरित चारित्र दंशनम दर्शन और ज्ञान। व्यवहार ने से क्या कहा जाता है? कि ज्ञानी के आत्मा के ज्ञान है दर्शन है चारित्र है। आगे देखें। न वीणाणम न चरितम, ना ही ज्ञान है
न चारित्र है, न दंशनम न दर्शन है, तो कैसा है आत्मा? जानगो, वह तो ज्ञायक भाव मात्र है, शुद्धो शुद्ध नय की अपेक्षा। फिर नीचे की दो लाइन देखें, न विनाणम, ना तो शुद्ध नय की अपेक्षा वह आत्मा ज्ञान है, ना चारित्र है, ना दर्शन है, कैसा है? जानगो, वह तो ज्ञायक भाव मात्र है। अभेद में देखा हमने तो ज्ञायक भाव मात्र, भेद में देखा दर्शन ज्ञान चारित्र। तो ये भेद की चर्चा कहाँ होती है? व्यवहारने में। अभेद की चर्चा होती है शुद्ध ने अर्थात निश्चय ने में। तो शुद्ध ने की अपेक्षा, निश्चय ने की अपेक्षा आत्मा में न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है, वह तो ज्ञायक भाव मात्र है। व्यवहार ने की अपेक्षा दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है, और कौन सा दर्शन है, कौन सा ज्ञान है, कौन सा चारित्र है आत्मा में, ये सब व्यवहार ने की अपेक्षा है। इसलिए दोनों नयों की अपेक्षा समझनी है। दोनों ने सच्चे हैं, एक अभेद रूप से बताता है, एक भेद रूप से। ज्ञायक भाव मात्र का मतलब होता है दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होना। अभेद से ज्ञायक भाव मात्र, भेद से दर्शन रूप, ज्ञान रूप और चारित्र रूप होना। सिर्फ इसमें इतना अंतर है। भावार्थ देखें, ज्ञानी के चारित्र, दर्शन और ज्ञान ये तीन भाव व्यवहारने से कहे जाते हैं। निश्चयने से तो न ही ज्ञान है, न चारित्र है और न ही दर्शन है, तो फिर क्या है? शुद्ध ज्ञायक भाव। इस तरह समझना चाहिए। पंडित जी, दर्शन ज्ञान और चारित्र के लिए मना क्यों किया गया है? हमने पहले भी बताया था, दो नयों से चर्चा चल रही है, निश्चय ने से और व्यवहार ने से। निश्चय ने अभेद की चर्चा करता है, व्यवहार ने भेद की चर्चा करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग ठंडाई पीते हैं, ठंडाई कैसे बनती है? उसमें बादाम होता है, काली मिर्च होती है, शक्कर होती है, दूध होता है, चार चीज़ मिला के ठंडाई बनाई जाती है। निश्चयने से ये क्या है? ठंडाई है। व्यवहारने से क्या है? इसमें दूध है, इसमें शक्कर है, इसमें बादाम है, इसमें काली मिर्च है। दोनों कह रहे हैं उसी वस्तु को, एक अभेद से कहता है, एक भेद से कहता है। निश्चयने से आत्मा ज्ञायक भाव मात्र है, व्यवहारने से दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है। और एग्जाम्पल ले लें, अग्नि का क्या काम है? अग्नि जलाती है, अग्नि पकाती है, अग्नि प्रकाश करती है। ये व्यवहार ने की अपेक्षा, निश्चयने से तो अग्नि अग्नि है। तो ये तीन धर्म कहाँ चले गए? तीनों धर्म अग्नि में समाविष्ट रहते हैं, हमेशा पाए जाते हैं। ज्ञायक भाव कैसा? दर्शन ज्ञान चारित्र की समाविष्टि रूप भाव ज्ञायक भाव है। ज्ञायक भाव नहीं तो ये तीनों नहीं। उसी तरह अभेद रूप से ज्ञायक भाव, भेद रूप से दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप भाव। आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, बिल्कुल हैं, व्यवहार ने से। मात्र ज्ञायक भाव मात्र है और कुछ नहीं है निश्चय ने से। ये केवल कथन की पद्धति है और इससे वस्तु को समझाया जाता है। पंडित जी, तो फिर अभी तक हमारी अज्ञानता क्या रही? हमने अभी तक अपने आप को मात्र व्यवहारने से जाना, निश्चयने से नहीं जाना, ये हमारी अज्ञानता रही। हमने ये तो जाना, मैं मनुष्य हूँ, यह मेरा शरीर है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा मकान है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा व्यापार है, हमने इतना जाना। मैं श्रोताओं से पूछता हूँ,
आप सब इतना ही तो जानते हैं, इतना जानते हैं तो अज्ञानी हैं, और अगर इसके आगे भी जानते हैं तो ज्ञानी हैं। हमने अभी तक अनादिकाल से इतना जाना है कि ये शरीर ये ही मैं हूँ, ये सब जितने मेरे संयोगी हैं ये सब मेरे हैं। शरीर को बुखार हुआ, मैं बुखार हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बालक हूँ, मैं स्त्री हूँ, अभी तक हमने इसी को जाना। तो इसको जानने के कारण हम राग द्वेष के चक्कर में फंसे रहे, शुद्ध आत्मा का स्वरूप नहीं जानने के कारण आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रयत्न हमने कभी किया ही नहीं। हम अब पहले जाने आत्मा की शुद्ध दशा होती कैसी है, फिर हम जाने वर्तमान दशा कैसी है, फिर वर्तमान दशा से हम शुद्ध अवस्था में कैसे पहुँचें। जब इस बात को जानेंगे तब तो शुद्ध बनेंगे। हमारी अज्ञानता ये रही अभी तक, हमने व्यवहारने को तो समझा, निश्चयने को समझा ही नहीं। क्यों? आचार्य ने पहले ही कह दिया था, क्योंकि इसको अनादिकाल से कभी भी एकत्व विभक्त आत्मा का वर्णन सुनने का मौका ही नहीं मिला, और मौका भी मिला तो इसने उसे कभी स्वीकार नहीं किया, उस पर श्रद्धा नहीं बनाई। श्रद्धा नहीं बनाने के कारण मिथ्या दृष्टि बना रहा और अनंत काल से संसार भ्रमण इसका चलता रहा। अब गलती सुधारनी हो तो क्या करें? गलती सुधारनी है तो आत्मा का दोनों नयों से परिचय करें। मेरा जो नाम है आज मेरे शरीर का है, मेरा नहीं। मैं तो सामने वाले को दिखता नहीं, सामने वाला मुझे देखता नहीं, सामने वाला मुझे बुलाता नहीं। मैं किसी का करने वाला नहीं, किसी का हरने वाला नहीं, मैं भोगने वाला नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, ऐसी मेरी बुद्धि बनी कहाँ, और नहीं बनी इसलिए मेरा संसार भ्रमण है। इस समय सार को पढ़ने का यही तो सार और यही तो आनंद है कि हम इस समय सार को पढ़ें और समय सार पढ़ के अपनी शुद्ध दशा को जाने और शुद्ध दशा को प्राप्त करने का मार्ग भी जाने, और मार्ग जानने के बाद फिर उस मार्ग पर चल पड़े। मैंने पहले भी कहा था कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक बार कहा था कि इसको पढ़ना शिरोगम करना आसान है, हृदयंगम करना आसान नहीं। एक बार का एक प्रसंग आपको सुनाऊं, समय सार से संबंधित है, अचानक याद आ गया। रामटेक में 1993 में आचार्य विद्यासागर जी महाराज विराजमान थे। एक सहारनपुर के पंडित जी जो धोती कुर्ता पहने थे, थोड़े मोटे से लंबे से, दरवाजे पे खड़े थे। दोपहर की सामायिक ख़त्म हुई, मैं अपने प्रश्न लेके आचार्य जी के पास गया था पूछने, तो दरवाजे पे वो खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, कहिए कहाँ से पधारे हैं? उन्होंने कहा, मैं सहारनपुर से आया हूँ। मैंने कहा, कोई विशेष बात? हाँ, आचार्य जी से कुछ चर्चा करनी है। अचानक दरवाज़ा खुला, हम दोनों अंदर एंटर हुए, वो पंडित जी भी एंटर हुए और मैंने उन पंडित जी को अंदर पहुँचते निवेदन किया, आप अपनी चर्चा आचार्य जी से कर लीजिए। उन्होंने बड़ी अजब चर्चा की। उन्होंने आचार्य जी को कहा, महाराज आपने समय सार कितनी बार पढ़ा है? प्रश्न सुन के मैं भी थोड़ा अचकचाया, आचार्य जी थोड़े मुस्कराए। बोले, क्या मतलब? बोले, आचार्य महाराज मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने समय सार कितनी बार पढ़ा है? मैंने कम से कम 100 बार पढ़ा है और हजारों को पढ़ाया है। आचार्य जी बड़े मुस्कराए, हंसे और उत्तर बोले, भैया हमसे पूछ रहे हो कितनी बार पढ़ा? हमने तो समय सार मात्र पहले एक बार पढ़ा था। हमें ज्ञान सागर जी महाराज ने पढ़ाया था, तो समय सार पढ़ते से हमारे तो कपड़े उतर गए। तुमने सैकड़ों बार पढ़ा और हजारों को कैसे पढ़ाया जो अभी तक कुर्ता और धोती पहने खड़े हुए हो? हम तो भाई नहीं समझ पाए। ये है समय सार की महिमा। आत्मा का शुद्ध स्वरूप उतर जाए
बात करना तो आसान है, समय सार खूब पढ़ा है, खूब चर्चा कर लो, इससे कुछ नहीं होता। चारित्र को जब तक धारण नहीं किया जाए तब तक समय सार की ओर हमने कदम बढ़ाया कहाँ। आचार्य ने कितनी अच्छी बात कही थी, हमने तो एक बार पढ़ा हमारे तो कपड़े उतर गए, तुमने सैकड़ों बार कैसा पढ़ा कैसा पढ़ाया हमें मालूम नहीं। इसलिए दोनों नियमों का वर्णन बहुत कार्यकारी है और बड़े भाग्य से समय सार हमें सुनने पढ़ने को मिल रहा है। हम पढ़ें और अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचाने। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल, अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, श्रीमती शुभदा विजय कुमार ढहाले जैन, श्रीमती सुनंदा सुभाष धर्म खेले जैन, रेवती जीतेंद्र ढहाले जैन, श्री जीतेंद्र विजय कुमार ढहाले जैन, मनोज विजय कुमार ढहाले जैन, चिन्मय जीतेंद्र ढहाले जैन एवं परिवार, सोलापुर महाराष्ट्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। प्रेरणा जैन, रानी जैन, जेपी जैन, अहूरा नगर, अडाजन, सूरत, गुजरात। एकता, राजस्थान। श्रीमती सुगंधा कमाते वाइफ ऑफ बाबरू वाहन कमाते पुणे, विकास एवं विद्या कमाते USA। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 344/4 गोविंदपुरी महिला मंडल, गोविंदपुरी कालकाजी, नई दिल्ली 19। हितेश हंसमुख लाल शाह, माता रमीला बेन पारेख, वडोदरा, गुजरात।